प्लस नॉट थ्री, हाँ गाइज, यहाँ पे वन प्लस जो है वो नॉट थ्री को इंडिया के अंदर लाने वाला है और बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर ये फ़ोन होने वाला है गाइज, यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने मिलने वाला है। तो इस फोटो को पूरा देखिए, इस फोटो में बात करने वाले इसी की प्राइस और स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में इंडिया के, क्योंकि बहुत टाइम से इंतजार लोग कर रहे हैं। जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपने नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वन प्लस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है नॉट सीरीज़ को लेकर, मतलब उसकी सीरीज़ चल रही हो नहीं मुझे नहीं पता, बट ये नॉट सीरीज़ ना पर्सनली बहुत ज़्यादा चल रही है। और अभी पर्सनली हम लोग ने भी वन प्लस नॉट टू टी बाई किया, मतलब मेरी फैमिली मम्मी ने, तो भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फ़ोन, और उसके एक्सपीरियंस आने वाला है वीडियो चैनल पर, हम कोशिश करने वाले बहुत जल्दी, तो वो अलग बात है। बट अभी हम बात कर रहे थे नॉट थ्री के बारे में, तो चलिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आते हैं नॉट थ्री के। तो यहां पर इस फोन के स्पेसिफिकेशन में अगर मैं बिल्ड डिजाइन में आता हूं, तो नॉट सीरीज को अगर आप नॉट वन से लेकर अभी तक देखते हो तो बहुत ही बढ़िया 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 डिजाइन है लोगों ने लॉन्च किए हैं, और नॉट थ्री में भी आपको जो डिजाइन मिलने वाला है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम और बहुत ज्यादा हटके और अच्छा देखने मिलने वाला है। डिस्प्ले में अगर मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर जो डिस्प्ले होने वाला है वो 6.43 इंच का होगा, एंड यहां पर एक फ्लूट एमुलेट पैनल मिलेगा, उसे फ्लूट कहा जाता है वन प्लस की तरफ से। एंड यहाँ पर इस बार बोल जाए शायद से आपको सेंटर पंच होल भी देखने मिल जाए, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात मिल जाने वाली है, क्योंकि आपको साइड पंच होल ज़्यादा देखने मिली है, बट इस बार सेंटर पंच होल देखने आपको देखने मिल सकते हैं। और इन डिस्प्ले में अगर मैं चिपसेट की बात करता हूँ, परफॉर्मेंस की बात करता हूँ गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो मिलने वाला है डायमेंसिटी का 8100, या तो फिर आपको स्नैपड्रैगन का 71 जेन देखने मिल जाएगा। अब इन दोनों चिपसेट में आपको कोई ना कोई चिपसेट देखने मिल सकते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। आई थिंक डायमेंसिटी 8100 होता है तो वो भी अच्छा है, बट स्नैपड्रैगन 71 जेन की बात ही अलग है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और स्नैपड्रैगन की बात ही अलग होती है। कैमराज में अगर मैं आ जाता हूँ, तो कैमरा जो है यहाँ पर मेन कैमरा जो है यहाँ पे 50 पिक्सल का देखने मिल सकता है, देन अल्ट्रा वाइड भी आपको देखने मिल जाएगा, एंड डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, सोनी का लेंस होगा ये बात याद रखिएगा। सेल्फी में 32 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, रियर से भी 4K कर पाओगे, OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर मैं बैटरी की बात कर लेता हूँ, तो बैटरी अराउंड आपके 4.5 mAh की बैटरी होने वाली है, प्लस टाइप सी, एंड 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिल सकती है। अब भाई 120 वोल्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर 120 वोल्ट मतलब अराउंड 20 मिनट में फुल चार्ज फोन 0 से लेकर 100 अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे इंडिया में और फास्ट चार्जर और फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल आएँ, हम जल्दी जल्दी फ़ोन चार्ज करके किसी को कॉलेज जाना है, किसी को जॉब में जाना है, किसी को भाई अपने काम पे जाना है, तो ये अच्छा हो रहा है, तो होना चाहिए। कमेंट करिए आप लोग अपनी राय बताइएगा। UI में आपको यहाँ पर जो एंड्रॉयड 13 जब तक आउट ऑफ द बॉक्स शायद मिल जाए, तो जब आ गए तो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और ये ऑक्सीजन उसके साथ रन करने वाला है। ये है पूरा यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड 3, एंड डेफिनेटली फ़ोन बहुत अच्छा है, बस इंतज़ार यही है। अब बस इस बार बोला जा रहा है प्राइस बढ़ने वाली है, दूसरा लॉन्च के आखिर में और बात करेंगे, बट उससे पहले प्राइस में आता हूँ। आप लोग जानते हैं यहाँ पर वन प्लस की जो नॉट सीरीज़ है उसमें जो बेस रेंट हुआ करता है, मतलब हम नॉट टू की बात करते हैं, तो 28,999 रुपीज़, मतलब 29,000 हुआ था। बट नॉट थ्री मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये जो प्राइस है इसका ये बढ़ने वाला है, मतलब 29,000 में नहीं आने वाला नॉट थ्री का बेस वेरिएंट। इस बार जो बेस वेरिएंट भी स्टार्ट होगा वो अराउंड 31,000-32,000 करीब होने वाला है, क्योंकि आप लोग जैसे कि देख रहे हो भाई स्नैपड्रैगन 71 जेन यहाँ पे दिया गया है, दूसरा यहाँ पर आप लोगों को कैमरा क्वालिटी बढ़ाई गई, तीसरा यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग उसको इंक्रीज़ किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हें अपग्रेड करी हैं, दैट्स वाई जो प्राइस है वो भी अपग्रेड होना ही चाहिए। तो भाई वही बात है कि 31,000-32,000 इसका मेन आने वाला है, अगर लेने वाले हो तो इतना जमा के रखो भाई, या तो कैश ले लो, EMI में ले लो, आपके ऊपर है, बट हाँ इतना लगेगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि कब आ रहा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके लिए ही वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन है ये अक्टूबर के मंथ में मिलने वाला है, मतलब अगले ही महीने आपको ये देखने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पे वन प्लस कराया, जैसे नॉट टू टी ने भी बहुत करवाया था, हाँ तो हर फ़ोन में वन प्लस ऐसा करते हैं, बट चलते भी हैं फिर बाद में बहुत, तो देखिए अगर आप लेना चाहते हो तो भाई अगले महीने का इंतज़ार कर लो, या तो फिर नवंबर पकड़ लो, ये मैं इतना ही कहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हमारी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम कोशिश करते हैं आपके लिए डेली कंटेंट बना लिए, कम से कम एक वीडियो तो हम डालते ही डालते हैं, और अभी हमने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली है, तो यार चैनल को सपोर्ट करते रहो, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, डेली वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहो। एंड नॉट थ्री के बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इस वक्त मैं रखता हूँ, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।